हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल से बीजेपी की इंदु गोस्वामी को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है। आज उन्हें विधानसभा सचिव ने प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही राज्यसभा में हिमाचल से कांग्रेस की एक सीट छिन गई है। इस सीट पर अभी तक कांग्रेस की विप्लव ठाकुर प्रतिनिधित्व कर रही थी। उनका कार्यकाल खत्म होने पर ही ये चुनाव हुआ। हालांकि चुनाव के लिए 26 मार्च की तारीख तय थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी को भी प्रत्याशी न बनाए जाने के चलते ही इंदु का आज निर्विरोध चयन कर लिया गया है। इस बात की प्रसन्नता है कि इंदु गोस्वामी जी आज निर्विरोध राज्यसभा के लिए जो है विधिवत घोषित हुई हैं, चुन ली गई हैं। मैं इनको बधाई देता हूं। और राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी का उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि हिमाचल से फिर से एक महिला राज्यसभा के सांसद के रूप में प्रवेश करने जा रही हैं और हिमाचल का पक्ष वहाँ मजबूती के साथ इंदु गोस्वामी जी रखेंगी। और मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से भी आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ इनको। और साथ साथ में मुझे लगता है कि मेरी बात अधूरी रहेगी, पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व का जो आशीर्वाद रहा उनके लिए आभार और धन्यवाद साथ में करना चाहूँगा हमारे विपक्ष के सभी मित्रों का, उन्होंने निर्विरोध इस चुनाव को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है। और भाजपा के सभी सम्मानीय विधायकों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सब लोगों ने जो है वो इस चुनाव की इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग दिया है। इंदु जी से बहुत उम्मीदें हैं हिमाचल प्रदेश को, एक राज्यसभा के सांसद और महिला सांसद के साथ साथ में महिला मोर्चा की अध्यक्षा रही हैं। संगठन में विभिन्न स्तरों पर उन्होंने पदों पर उन्होंने काम किया है और हिमाचल का हित तो बहुत बखूबी जोरदार ढंग से वहाँ पर केंद्र में रखेंगे। और उसके साथ साथ में जब भी हिमाचल प्रदेश के विकास की अगर बात आती है तो इंदु गोस्वामी जी का पूरा सहयोग और समर्थन जो है उसमें हिमाचल को मिलेगा, ऐसा विश्वास नहीं है, पूरा यकीन है। और इस बात को लेकर के मैं कह सकता हूँ कि एक बार हिमाचल प्रदेश से इंदु गोस्वामी जी का सांसद के नाते दिल्ली जाना, ये इंदु गोस्वामी जिला कांगड़ा के बैजनाथ की रहने वाली हैं। वे इससे पहले धूमल शासन काल में महिला आयोग की राज्य अध्यक्ष रह चुकी हैं। बहुत खुश हूँ, भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, चाहे हमारी केंद्र की जो सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, और प्रदेश के नेतृत्व में हमारी भाजपा के मुखिया श्री बिंदल जी, उनकी पूरी टीम, तथा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, तथा सभी अपने विधायक दल के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करूँगी। और साथ ही साथ जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक जितने भी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, उन लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सबने मेरा समर्थन किया। तो मैं प्राथमिकताएं जो बेसिकली तो एज ए एमपी जो मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी, जो भी इसमें पर सरकार के साथ मिलकर जो भी प्रदेश के मुद्दे वहां उठाने होंगे मैं उनको उठाऊंगी प्राथमिकताओं को। बस मेन हिमाचल में क्या होता है, टूरिज्म की डेवलपमेंट के लिए आपके अपने एयर कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, ये मुद्दे हैं जो हिमाचल की डेवलपमेंट में कहीं रोड़ा डालते हैं, तो मुझे लगता है कि उन मुद्दों को मैं उठाऊंगी। और इसमें पर सरकार की तरफ से मुझे जो भी मुद्दे उठाने के लिए वहाँ बोला जाएगा उन मुद्दों को मैं उठाऊंगी। हाँ जी, और एक संदेश मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज चयनित हुई हूँ। बहुत कम लोग जो प्रमुख हमारे मित्र हैं वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने 20 को अपने गृह क्षेत्र में जाना था, लेकिन हमने सारी अपनी जितना भी रिसेप्शन वगैरह के कार्यक्रम थे सारे ख़त्म कर दिए हैं। एक पत्रकारों के माध्यम से मैं संदेश, जो हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध और जो अपने आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं, उनको एक संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़ वो लोग जो हैं वो सैनिटाइज़र खरीदें, जहाँ से संभव हो सकता है मास्क खरीदें, और वो लोग जो गरीब जनता है प्रदेश की, जो ये ले नहीं सकती है सैनिटाइजर और मास्क, उनमें बांटे। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम खुद खरीद के सैनिटाइजर बांटे। ये हमारी मुख्य जो है हमारा इस वक्त दायित्व है, और कोशिश करनी चाहिए कि बहुत कम लोग इस गैदरिंग में इकट्ठे हों।
तो मैंने भी ये सारे कार्यक्रम अपने रद्द कर दिए हैं इसी वजह से, ताकि प्रदेश हमारा इस चीज से बचा रहे। तो मीडिया के लोगों को भी बोलेंगे कि सैनिटाइजर खरीद के, क्योंकि आप लोग खरीद सकते हैं, आप जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं प्लीज उनको हेल्प करिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।